हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम डिस्कस कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, पेपर नंबर पेपर वन, और मेरे पास है सी सीरीज़। सो जैसे हमने ईवीएस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है मेरी प्रीवियस वीडियो में 30 क्वेश्चन, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं पेडागोजी को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषताएँ हैं, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। क्वेश्चन नंबर 2 है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं, इसका आंसर है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रबलन पर केंद्रित है। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एक दंड का प्रयोग करने के में क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 6, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में क्या सही है, आंसर ऑप्शन नंबर 2, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। अंजा, सबके जो सीरीज़ हैं अलग अलग हैं, तो क्वेश्चंस का सीक्वेंस भी अलग अलग होगा। और एक और चीज़, जो हमारे आंसर्स के जो ऑप्शंस हैं वो भी अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग आंसर को रखा हुआ है। जैसे कि जो मेरे में थर्ड नंबर पे हो सकता है आपके में सेकंड नंबर पे वो ऑप्शन दिया हो, मैं क्वेश्चन की बात नहीं करी, ऑप्शंस भी जंबल किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सेकंड और थर्ड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज करते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यालय एवं मीडिया। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विकास एक सार्वभौमिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ इसमें प्रभावित नहीं करते। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है, जेंडर बायस, जेंडर पक्षपात का। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है, इसका आंसर आएगा 1, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु
के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो इसका आंसर लेव वाइगोत्स्की। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रारंभिक बाल्यावस्था। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कॉलबर की द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, पारकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्कीमा। जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाए। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस प्रकार से संबोधित करते हैं? तो इसको बोलेंगे इकोसेंट्रिक स्पीच, मतलब आत्मकेंद्रित वार्ता। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका फोल्डिंग का, मतलब पाड़ा ढांचा। रूही हमेशा समस्या के एकाधिकार समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो वो कर रही है सृजनात्मक विचारक, वो है क्रिएटिव थिंकर। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके असक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, आसक्त बच्चों को। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। आई होप कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट।